मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मंगलवार को होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच शहर में होली के जश्न के बीच लापरवाही बरतने से कुछ हादसे भी हुए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पीड़ित परिवार के घर मातम पसर गया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार को होली खेलने के बाद समुद्र में नहाने गए 30 वर्षीय शख्स की डूबने से जान चली गई। हादसा मुंबई के जुहू चौपाटी पर शाम करीब 6:30 बजे हुआ, जहां मृतक अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया था। अधिकारियों ने बताया कि समुद्र में तैरने उतरे पीड़ित को पानी का सही अनुमान नहीं लगा और वह डूबने लगा। वहीं मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को होली और शबे बारात पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 10,000 से ज्यादा बाइकर्स पर जुर्माना लगाया गया। एक बाइकर के अनुसार 10,000 से अधिक बाइकर्स को हेलमेट नहीं पहनने और 73 कार चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए दंडित किया गया है, जबकि 65 बाइकर्स और 8 चौपहिया वाहन चालकों को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रिपल राइडिंग के लिए 746 बाइकर्स और बिना हेलमेट के 10,215 बाइकर्स का चालान काटा। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।